तो जब लाइव फैंस की जो रिटर्न वाली डेट है वो नजदीक आ रही है WWE में और हेल इन अ सेल का शो खत्म हो चुका है, तब से बहुत सारे फैंस के मन में क्वेश्चन है क्या इस ईयर समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग की उम्मीद जो है वो ऑलरेडी हेल इन अ सेल शो के अंदर ही खत्म हो चुकी है कि नहीं भैया लेसनर वापस तो अब आने ही नहीं वाले, चाहे समर स्लैम आ जाए या फिर उससे भी कोई बड़ा इवेंट आ जाए। और बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि भाई क्या लेसनर का स्टेटस है समर स्लैम को लेकर, वो आएंगे या फिर नहीं, क्या हम उनकी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले भाई मेरा कोई मूड था नहीं वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं खुद लेसनर की रिटर्न को लेकर न्यूज देते देते काफी ज्यादा पक गया हूं, लेकिन मुझे लगा नहीं एक फाइनल वीडियो बनानी चाहिए। और भाई इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली अभी फिलहाल जो स्टेटस है लेसनर का वो आपको एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा, क्या ब्रॉक लेसनर की वापसी समर स्लैम में होगी या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर, क्यों काफी सारे जो फैंस की उम्मीद है वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। WWE ने बार बार रॉकी एपिसोड के अंदर पहले बार टीज की जब उन्होंने बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के मुंह से लेसनर का नाम बताया कि भाई मैंने लेसनर को हराया, लेसनर की WWE के अंदर बातें क्यों हो रही, लैशली ने खुद ये बात कही थी। तो लगा ऐसा रहा था कि भाई कहीं ना कहीं WWE हमें ये बताना चाहती है कि लेसनर वापस आएंगे। फिर पहले रोमन रेंज वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच हेल इन अ सेल शो के अंदर होना था और डेफिनेटली वो मैच मेन इवेंट करता क्योंकि उस मैच में रोमन रेंज इंक्लूड थे, लेकिन अचानक से वो मैच WWE कर लेते पुल आउट और वो मैच होता है स्मैकडाउन के शो के अंदर। अब इसका मतलब ये जो WWE टाइटल मैच था वो होना था शो को मेन इवेंट। अब सभी ये बात पूरे तरीके से सोच कर बैठे थे, एक बार हेल इन अ सेल के अंदर लेसनर की रिटर्न हुई थी और भाई जब हेल इन अ सेल का जो शो है शुरुआत होने वाला था उसे जस्ट कुछ घंटे पहले WWE ने खुद लेसनर की जो रिटर्न थी हेल इन अ सेल शो की उसकी वीडियो पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कि आप हेल इन अ सेल शो से काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर WWE ने जानबूझ के पूरी तरीके से हाइप कर दिया कि अब तो लेसनर वापस भैया आने वाले हैं और आपको बस देखना पड़ेगा मेन इवेंट, हम लोग मेन इवेंट देखते हैं। और डिसअपॉइंटिंग चीज ये रहती है कि लेसनर वापस नहीं आते हैं। तो ये तो स्टेटस वो था क्यों लेसनर के रिटर्न की जो होप्स हैं काफी सारे लोगों की वो टूट गई थी हेल इन अ सेल शो से। लेकिन अब आने वाला समर स्लैम 2021 अगले महीने मनी इन द बैंक का शो होगा और उसके बाद जो लाइव फैंस है वो हमें रॉ स्मैकडाउन और आने वाले जितने भी पेपर व्यूज होंगे वहां पर आते हुए नजर आएंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो WWE है अपने प्लान्स के अंदर काफी सारे चेंजेस कर रही है, काफी सारी वो बड़ी चीजें करना चाहती है लाइव क्राउड और लाइव फैंस के रिटर्न के साथ में। काफी बड़े नाम रिटर्न भी कर रहे हैं अपने, एज एक बार फिर से वापस आएंगे, बिकी लिंच एक लंबे टाइम बाद वापस आएंगी, अपने सीनेशन लीडर जॉन सिना की भी होने वाली वापसी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था क्या हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बाद भी चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर एक बार फिर वापस आएंगे या फिर नहीं। तो इसको लेकर रिसेंटली फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एकदम लेटेस्ट और न्यू अपडेट आ चुकी है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे होंगे। और यहां पर ये बात रिवील हुई कि अभी फिलहाल जो बातें पता लगी WWE के सोर्सेज से वो ये कि अभी फिलहाल बातचीत कुछ इस तरीके से चल रही है कि ब्रॉक लेसनर की जो WWE रिटर्न है अगर वो होगी तो खुला खजाना होने वाली है, WWE उनकी रिटर्न को ज्यादा सीक्रेट वगैरह रखना नहीं चाहती है। लेकिन जो WWE के एम्प्लॉयज है उनका ये मानना है कि ज्यादा कुछ कॉन्टैक्ट या फिर असली में कोई बातचीत नहीं हुई है WWE और लेसनर के बीच में। और WWE का भी फिलहाल ये मानना है कि अगर लेसनर खुद आते हैं भाई WWE से कि मेरे साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करना चाहते हो तो कर लो, तो WWE उनको जाने देगी नहीं, उनको एक नॉर्मल सा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लेसनर को ज्यादातर वो ऑफर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी और लेसनर एक बार फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन WWE ऐसा नहीं होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनको वैसे ऑफर WWE करने वाली थी उसकी ज्यादा अमाउंट या फिर उसे डबल अमाउंट का पैसा देके वो जल्दी से जल्दी लेसनर को वापस करवा ले। तो भाई ऐसा कुछ अभी फिलहाल WWE का प्लान नहीं है, WWE एकदम जीरो होप लगा के बैठे कि लेसनर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, उनके बिना WWE अभी फिलहाल चल ही रही है। तो ये मुझे काफी वियर्ड सी सोच लगी WWE की, क्योंकि भाई विंस मैकमैन के हिसाब से तो लेसनर एक बहुत ही बड़े रेटिंग और सुपरस्टार है जो कि एक्चुअल चीज भी है। अभी फिलहाल फैंस एकदम डेस्पिरेटली तरीके से लेसनर को देखना चाहते टीवी के ऊपर और WWE उनकी रिटर्न नहीं करवा रही। साथ ही में रिंग साइड न्यूज की तरफ से भी आज से बस कुछ घंटे पहले एक लेटेस्ट अपडेट आती है सामने और रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करते हैं कि रिसेंटली वो गए थे WWE के जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं या फिर जो मर्चेंडाइज वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं उनके पास जाते हैं कि भाई आपको क्या लेसनर को लेकर WWE की तरफ से कोई प्लान्स रिवील किए गए हैं या फिर नहीं, वो ग्राफिक डिजाइनर वालों से पूछते हैं कि WWE ने आपको ये बात कही है कि आपको आने वाले एक दो महीने के अंदर लेसनर को लेकर जो ग्राफिक्स है वो प्रिपेयर करने हैं, उनके इंटरेस्ट किस तरीके से होगी या फिर उनका जो टाइटोरियम स्क्रीन है वो कैसा होगा, चेंजेस होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर भी फिलहाल ये बात पता लगी कि ग्राफिक डिजाइनर से कि उनको अभी फिलहाल WWE ने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। WWE ने उन्हें ये बताया कि भाई लेसनर को लेकर अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी, आराम से लेसनर का जो डाटा है वो एकदम साइड में आप पड़े रहने दो और लेसनर का जो ग्राफिक्स है उसको चेंज करने की या फिर उसके अभी
फिलहाल बाहर लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेजनर की अभी वापसी नहीं होने वाली। और वही मर्चेंडाइज वालों की बात रही तो भाई मर्चेंडाइज वालों को भी यही बताया गया कि लेजनर वापस नहीं आने वाले और लेजनर को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शंस WWE ने उन्हें नहीं दिए, जो कि मेरे हिसाब से सारी चीजें एक ही तरफ हमें इशारा करती हैं कि समर स्लैम 2021 भी शायद वो जगह अब नहीं होने वाली जहां पर लेजनर आएंगे वापस। और मेरे हिसाब से जो लेजनर के फैंस हैं, जो लोग उनको देखना चाहते हैं समर स्लैम के अंदर, उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है कि भाई WWE अगर इतने बड़े शो के अंदर लेजनर को वापस नहीं लाएगी तो कब लेजनर एक्चुअल में वापस आएंगे। और मेरे हिसाब से अगर समर स्लैम में भी लेजनर वापस नहीं आते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा लेजनर के रिटर्न को लेकर नहीं बल्कि लेजनर के रिटायरमेंट को लेकर प्रो रेसलिंग से। क्या वो कभी भी आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी WWE के अंदर कभी भी आएंगे या फिर नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से एक फाइनल होप आप लोग समर स्लैम से ही कर सकते हो, वरना कोई चांस नहीं है कि एक बार फिर से लेजनर WWE के अंदर वापस आएंगे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से सिचुएशन है, ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि भाई मुझे नहीं ऐसा लगता है कि अब WWE लेजनर को वापस लाएगी। अब बाकी देखते जब लाइव फैंस वापस आते हैं मनी इन द बैंक के बाद का जो पहला रॉक एपिसोड होता है वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कंफर्मेशन पूरी चाहिए तब तक का तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये वो कुछ सिनेरियो जो कि मैं आपको लेजनर को लेकर बता सकता हूं और हो बस यही करूंगा कि शायद ये प्लान चेंज हो जाएंगे और शायद WWE लेजनर को रिटर्न करवा देगी। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी और शायद ये एक आखिरी वीडियो होगी जब तक लेजनर को लेकर और आने वाले टाइम में सैड या फिर अच्छी न्यूज बाहर नहीं आती है। और भाई ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।